प्रिंटर देख रहे हैं, ये है HP LaserJet Pro M202 DW। DW मतलब डुप्लेक्स वायरलेस, ये दोनों हैं इसमें ऑप्शन, आप बोथ साइड प्रिंटिंग ले सकते हैं। तो क्यों ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये जो भी प्रिंटिंग हम देते हैं इसमें, ये आके यहाँ पे फ्यूजर एरिया में अटक जाता है। जैसे डुप्लेक्स के लिए आप 5 बार कवर ओपन बंद करोगे ऐसे करके, 1 2 3 4 5, तो एक बार सेल्फ टेस्ट लेता है और टू साइड में प्रिंट करेगा ये सेल्फ टेस्ट में भी। तो देखिए अभी पेपर यहाँ पे मोस्टली आके जाम हो जाता, थोड़ा सा निकलता है और जाम हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को आज ठीक करेंगे, इसमें बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जाएगा और रिवर्स नहीं आएगा, यहाँ पे अटक जाएगा। ये 202 में कॉमन प्रॉब्लम आता है, यही प्रॉब्लम काफ़ी इंजीनियर समझ नहीं पाते, फिक्स नहीं कर पाते। तो उसी चीज़ को आज हम बताने वाले हैं। तो अभी आप पूरा वीडियो में अंत तक बने रहिए, ये बताएंगे आपको, सलमान हैं यहाँ पे एक इंजीनियर, तो कैसे ठीक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपने फ्यूजर भी सर्विस करके देख लिया, सब कुछ कर लिया, तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा चेंज करने के बाद भी। तो चलिए इसी को हम बताएंगे, पूरा बने रहिए वीडियो में अंत तक, स्किप मत करिए। तो चलिए हमने पेपर जाम निकाल लिया, अब इसको डिसम्बल करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो आपको ये सेम प्रोसेस फॉलो करना है, स्किप नहीं करना है वीडियो, पूरा देखिए और डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से कवर ओपन हो गया, इसको निकाल लेंगे और फ्रंट साइड का भी निकालना है और इस साइड का भी निकालना है। पूरा देखिए, फॉलो करिए इस तरह से, जिनको खोलना नहीं आता वो भी देख के आसानी से ओपन कर सकते हैं। नीचे थ्रू दो लॉक होते हैं नीचे भी इधर, तो इनको भी आपको खोलना होगा, फिर आगे का हिस्सा निकलेगा। ठीक है, अब ये वाला कवर खुल जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है आपको, क्या यहाँ से निकाल के आपको सही करना है, ठीक है। इसमें भी आपको कोई पार्ट वगैरह रिप्लेस नहीं करना है। तो सबसे पहले स्टेप फॉलो करिए, कैसे करेंगे, तो गियर असेंबली को खोलना है, तो गियर असेंबली को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओपन करना है, उसके बाद से फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये सारे पेच होते हैं, आपको निकाल के ऐसे ही बिल्कुल प्रिंटर को रखना है, जिससे कि कोई पार्ट वगैरह डैमेज ना हो आपका, कुछ खुले हुई तो स्प्रिंग वगैरह निकले तो बाहर ना छिटके। तो ये ऐसे उठा लेंगे और ये गियर असेंबली है इस तरीके से, देख लीजिए कुछ मिसमैच हो तो स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको फिक्स कर सकते हैं। तो देखिए ये जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो वाला हिस्सा है जो सोलेनाइड के बगल में जो लॉक ये वाली होती है, जो रिले की होती है, ये वाली जो यहाँ पे लगी होती है, किसी की मेन प्रॉब्लम होती है, क्या होती है सलमान इसमें प्रॉब्लम? ये सर जो है ये रिले को वो नहीं कर पाता, इसे आप सीधा कर दें काट के तो ये डुप्लेक्स फिर वो सही हो जाता है। तो अभी काट के हम दिखाएंगे कैसे काटते हैं, बराबर करके काटना है, बराबर करके काटना है, कैसे काटना है आपको हम दिखाएंगे, फिर तो फिर ये सही हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पार्ट रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है आपको ये वाला। तो चलिए इसको देखते हैं, तो यहाँ पे रख के काटना है आपको इस तरह से, देखिए कैसे काटना है, आप ध्यान से देखिए इसको डिटेल में,
बराबर से काटना है ऐसे, केयरफुली, आपका हाथ ना कटे, जल्दीबाजी में कोई काम मत करिए। तो देखिए इस हिस्से को काटना है, एक साइड में बराबर कर देना है, फिर आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कट गया, ये देखिए इस तरीके से सीधे करना। देखिए इस तरीके से, जो नीचे दिखाता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से सीधा होना है। ठीक है, कट करके देखिए एकदम प्लेन में, जैसे आपने देखा दूसरे साइड में उसी तरीके से। ठीक है, अभी कट चुका है बिल्कुल सही तरीके से, एक बार आप भी देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, मैं इसका फ़ोटो डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे, आप हमें TRC टेक पे जाके फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं इस फोटो को कैसे एग्जैक्ट हमने लिया था। ठीक है, चलिए लगा के देखते हैं। थोड़ा सा और अलाइनमेंट कर रहे हैं क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है दोबारा पैक करने के बाद ना आए, बराबर काटना है आपको, और लगे तो 19 भी साफ कर सकते हैं। ये बराबर सा हो गया, अब इसको लगा के बाहर से ही चेक करा देंगे आपको प्रिंटर। और इसका एक और सोल्यूशन, इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, न्यू, इसको न्यू रिप्लेस करके देखेंगे तो भी अगर सेम प्रॉब्लम आता है तो आप इसे कट करके बना सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री सॉल्यूशन है। बैठ मेरा, पेच लगा, जितने भी पेज हैं प्रॉपर चेक करने के बाद पैक कीजिए। चलिए अब पेज फाइनलाइज करने के बाद हम इसको टेस्ट कराते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको रखना है ऐसे प्रिंटर को, पूरा प्रिंटर पैक है, पैक करने की ज़रूरत नहीं है, बस कंट्रोल पैनल कनेक्ट करना है फ्रंट साइड में। ठीक है, तो इस तरह से पेपर आपका सिकुड़ जा रहा था, ऐसे प्रॉब्लम आता है इसमें, तो वही देखेंगे आज, लगाएंगे, पावर लगाएंगे, ऑन करेंगे, पेपर लोड करेंगे, इधर पेपर निकालें। तो देखिए यहाँ पे पहले से हमने रफ पेपर ले रखा है, तो कई लोग सोचते हैं कि रफ पेपर की वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है, आता है पर इतना नहीं आता। ठीक है, इनिशलाइज होने के बाद 5 बार कवर ओपन करके आपको बंद करना है, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 से ज़्यादा करेंगे तो एक भी बार टेस्ट पे दे देगा सिंगल साइड में, वो भी। देखिए वापस ले लिया, और देखिए वापस आ गया, कोई भी पेपर जाम नहीं हुआ। एक बार और ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कई बार इंजीनियरों का कॉल भी आता है कि प्रॉब्लम आ रहा है उनको, 226 और 202 में सेम मैकेनिज्म होता है, तो इसमें दोनों में जो प्रॉब्लम आने वाले हैं वो कॉमन है, और कोई पार्ट ख़राब नहीं होता। आपने देखा कोई पार्ट हमने इसमें बदला नहीं और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमने भी इसको काफ़ी टाइम फेस किया, तो हमने भी आज सीखा इसको कि कैसे करते हैं। नेक्स्ट टाइम से आप भी कोई
आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है वीडियो देख के। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थम्स अप दीजिए। धन्यवाद।